शेव बनाए परफेक्ट माप के साथ। नमस्ते किचन क्वीन, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल शेव। शेव ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगती है और बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसे परफेक्ट माप के साथ कैसे बनाना है ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सेव बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, या हम रेगुलर वाला बेसन यूज करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। 1 टीस्पून हमें चाहिए चावल का आटा, आप इसकी जगह साबुदाने का आटा भी यूज़ कर सकते हो। इसकी वजह से हमारी जो सेव है वो क्रिस्पी बनती है, और नमक स्वाद के अनुसार। आटा गूंदेंगे तो उसके लिए हमें पहले जो बेसन का आटा है उसे छान लेना है। तो बेसन का आटा छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ रहेगी वो निकल जाएगी। तो इस तरह हमें उसे छान लेना है। तो इस तरह हमने सारा बेसन छान लिया है। अब हम उसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, उसी के साथ हल्दी, काली मिर्च का पाउडर और चावल का आटा, और इसे हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। अब इसी में हमें 2 बड़े चम्मच ऑयल लेना है, जिसे हमने अच्छा गरम कर लिया है, और वो इसमें डाल देंगे। इसके वजह से भी सेव हमारी कुरकुरी होती है, तो इसे हमें डाल लेना है और एक बार फिर से इसे मिक्स कर लेना है। इस बात का ध्यान रहे कि तेल हमारा काफ़ी गरम है, तो पहले आप स्पून से ही इसे हिला लेना। इसे हाथों से हमें अच्छी तरह मल लेना है ताकि जो हमने इसमें तेल डाला था वो आटे को अच्छे से लग जाए। इस तरह अच्छे से इसे मल लेना है। आप देख सकते हो हाथों में बनने लग गया है, मीन्स हमने जो इसमें तेल डाला है उसका मेजरमेंट इसमें परफेक्ट हुआ है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हमें इसका आटा लगाना है। आटा हमें सॉफ्ट लगाना है, लेकिन पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और इस तरह से मलते जाना है। तो इस तरह हम जैसे रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस तरह आटा लगा लिया है। ये आटा काफ़ी सॉफ्ट है। अब हम सेव बनाने के लिए इस तरह का मशीन लिया है जिसमें हमने जाली लगा दी है। अब इसे हमने ऑयल से अच्छे से ग्रीस भी कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसमें से आटा लेंगे और हाथों पे इस तरह इसे मल लेंगे और ये मशीन में इस तरह हमें इसमें भर लेना है। इसे ऊपर से हमें बंद कर लेना है इस तरह। यहाँ हमने तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा हम चेक करेंगे कि गरम हुआ है या नहीं। तो इस तरह जब हम इसमें आटा डालते हैं तो ये तैर के तुरंत ऊपर आता है, इसका मतलब तेल हमारा परफेक्ट गरम हो चुका है। अब हम सेव तलेंगे। यहाँ मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा हमें मीडियम गरम चाहिए। उसके बाद हम इसमें सेव पाड़ेंगे इस तरह। अगर आपको लग रहा है कि इसे दबाने में तकलीफ हो रही है तो आप थोड़ा इसमें पानी ऐड कर सकते हो। इसके बबल्स तेल के कम होने के बाद हम इसे पलटा लेंगे और दूसरे साइड से भी इसे सिकने देंगे। तो बिल्कुल 1 मिनट तक ही इसे हमें लाल करना है। अभी तेल में बबल आना काफी कम हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारी क्रिस्पी दिवाली स्पेशल शेव बनके रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट बनी है। तो इस दिवाली पे आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।